विकास दिव्य कीर्ति ने सीता माता को लेकर की गई टिप्पणी के बाद उन्हें ट्विटर पर ट्रोल और काफी धमकियां मिली थी, जिसके बाद हजारों छात्र उनके समर्थन में आ गए। अपनी बात रखते हुए विकास सर ने कहा कि वह बिना सबूत कोई भी बात नहीं कहते हैं। राष्ट्रीय IAS कोचिंग सेंटर के मालिक और डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीता माता की तुलना कुत्ते के चाटे हुए घी से कर दी है। वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। ट्विटर पर लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर को बैन किए जाने की मांग भी कर दी है। लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि विकास दिव्य कीर्ति द्वारा दिए गए इस बयान की वजह से उनकी भावनाएं आहत हुई है। हालांकि ट्विटर पर इस विवाद के शुरू होने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स दिव्य कीर्ति के समर्थन में भी आए हैं। उन्होंने पूरा वीडियो अपलोड कर बताया कि आखिर वहां क्या कह रहे थे। हालांकि अब उन्होंने इस पूरे मामले पर भी अपनी बात रखी है। स्टूडेंट्स द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए पूरे वीडियो में डॉक्टर दिव्य कीर्ति को ये कहते सुना जा सकता है, सीता खुश थी कि राम ने रावण को हरा दिया और अब वहाँ इतने दिनों के बाद घर जाएंगी। राम समझ गए थे कि सीता बहुत खुश है और उन्होंने उन्हें रुकने को कहा। वह कहते हैं कि राम ने कुछ ऐसा कहा जो कहते हुए उन्हें बुरा लग रहा है और बोलते हुए मेरी जुबान कट कर गिर जाएगी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, क्या करें। उन्होंने कहा, राम सीता से कहते हैं कि उन्होंने कि युद्ध सीता के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि ये युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। इसके आगे वह माता सीता की तुलना कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से कर देते हैं। इसके बाद ट्विटर पर #BanDrushtiIAS #BanVikasDivyakirti जमकर ट्रेंड हुआ था, जिसमें वो आधा अधूरा वीडियो क्लिप जमकर शेयर किया जा रहा था। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति के छात्रों ने मोर्चा संभालते हुए पूरी वीडियो क्लिप शेयर की, पूरी सच्चाई सामने आई और #ISupportDrushtiIAS #ISupportVikasDivyakirti ट्रेंड कराया। इस विवाद के बाद उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैंने संस्कृत में रामायण या महाभारत नहीं पढ़ा है, मुझे यह किताब में जो मिला जिसमें स्वयं वाल्मीकि रामायण का हवाला दिया गया है, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता। जितने उन्होंने खुद पर निशाना साधने वालों को कहा कि जितने हिंदू वो हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ, जो बात मैंने कही है उस बात में प्रमाणिक साक्ष्य है। मैंने ट्विटर पर कम और पढ़ाई में ज्यादा समय बिताया है, वही मैं अधिक सहज हूँ। वे इस विवाद पर आगे कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में लोग भयभीत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।